उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में ऊटपटांग आवाजें करने वाले बाइक सवारों की अब खैर नहीं है। ऐसे बाइक सवारों के साइलेंसरों को निकालकर जब्त किया गया और फिर उनके ऊपर पुलिस ने रोड रोलर चला के उनका पापड़ बना दिया। उधम सिंह नगर के पुलिस कप्तान मंजूनाथ टीसी ने बुलेट राजाओं की राजागिरी निकाल दी है। SSP मंजूनाथ टीसी ने निर्देश दिए हैं कि जिन बाइकों में फटाकों की आवाज या ऊटपटांग आवाज करने वाले साइलेंसर हों उन्हें हटाया जाए, उनका चालान बनाया जाए। मंजूनाथ टीसी ने 200 से अधिक ऐसे साइलेंसरों के ऊपर रोड रोलर चलवाकर उन्हें नष्ट कर दिया। संपूर्ण उधम सिंह नगर की जनपद वासियों को, समस्त उत्तराखंड जनपद वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई, क्योंकि हमारा जनपद हिमालयी राज्य है, हमारा जो राज्य हिमालयी राज्य है, तो हमारा जनपद जो है मूलतः कृषि और वन भूमि का जनपद है, तो इसीलिए जो है वन है तो हम हैं, वन है तो हम हैं, पर्यावरण है तो हम हैं, तो इसलिए आप सभी को विशेष रूप से बधाइयाँ हैं। इसी के तहत जो है आज जो है हमारे SP क्राइम और ट्रैफिक, SP ट्रैफिक और ट्रैफिक के टीम द्वारा एक अनोखी पहल आज हमने लिया था। तो विगत 15-20 दिन से हम एक लगातार अभियान चला रहे थे शाम की चेकिंग और दिन की चेकिंग के दौरान प्रेशर हॉर्न और रेट्रो साइलेंसर का। तो ये देखिए पर्यावरण को डैमेज तो करते ही है और उसके अलावा नॉइस पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए जो है जो अभी तक जो सीज हुआ था रुद्रपुर में और आसपास की थानों में उन सब का 250 से भी ऊपर जो ये जो है प्रेशर हॉर्न और क्या रेट्रो साइलेंसर्स है इन सब का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हमने आज कर दिया है। ये मात्र सांकेतिक नहीं है, ये संदेश है। देखिए RTO द्वारा जो रूल्स है उसके तहत कंपनी के द्वारा जो आती है बस उतना ही साइलेंसर्स रखना है। जो पटपटिया बोलते हैं वो पटाखे छोड़ने होते हैं ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बार तो केवल साइलेंसर तोड़ रहे हैं, अगली बार तो गाड़ियों की सीज करने की कार्रवाई की जाएगी और गाड़ियों को परमानेंटली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का भी अमल में लाई जाएगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।